उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य को बड़ी राहत मिली है। जी हां, हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणी मामले में चल रहा मुकदमा खारिज हो गया है। बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व MLC स्वामी प्रसाद मौर्य को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने मौर्य के खिलाफ चल रही हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ टिप्पणी मामले को खारिज कर दिया है। एक अधिवक्ता ने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। उसके बाद ACGA में कोर्ट ने IPC 295A में मौर्य को तलब किया था, जहां कोर्ट के फैसले को मौर्य ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। बता दें कि हाल ही में स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर भी विवादित बयान दिया था। उन्होंने रामचरितमानस को बकवास बताते हुए कहा था कि करोड़ों लोग रामचरितमानस नहीं पढ़ते, इसे तुलसीदास ने अपनी खुशी के लिए लिखा था। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि सरकार को संज्ञान लेते हुए रामचरितमानस के कुछ आपत्तिजनक अंश को हटाएं या पूरी पुस्तक को बैन कर देना चाहिए। स्वामी प्रसाद ने सवाल उठाते हुए कहा था कि ब्राह्मण भले ही लंपट, दुराचारी, अनपढ़, गमार और अत्याचारी हों, लेकिन वह ब्राह्मण है तो उसे पूजनीय बताया गया है। वहीं शूद्र कितना भी ज्ञानी और विद्वान हो, उसका सम्मान नहीं किया जाता है। क्या यही धर्म है? इसके बाद हजरतगंज थाने में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ IPC की धारा 295A, 504 और 153 के तहत FIR दर्ज की गई थी। एक बार समझते हैं आखिर पूरा मामला क्या था। 2014 में स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा के राष्ट्रीय महासचिव थे। उन्होंने लखनऊ में एक सभा को संबोधित करते हुए हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ एक टिप्पणी की थी। इसके बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, जिसमें अनिल तिवारी, परिवादी और तेज बहादुर सिंह व श्रवण पांडे ने बयान दर्ज कराया था। इस मामले में गवाह श्रवण कुमार पांडे ने जानकारी देते हुए बताया था कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जनसभा के दौरान देवी देवताओं पर टिप्पणी की है। इसमें उन्होंने गवाह के रूप में स्वयं गवाही दी थी। इसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य को कोर्ट में तलब किया गया था। मामले में LPW जारी हुआ। LPW जारी होने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य कोर्ट की शरण में गए, तो इसके बाद हाईकोर्ट से स्वामी प्रसाद मौर्य को राहत मिली है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने मौर्य के खिलाफ चल रहा मुकदमा खारिज कर दिया है। तो दर्शक 24 पर देख रहे हैं बड़ी खबर, स्वामी प्रसाद मौर्य को हाईकोर्ट से राहत मिली है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू देवताओं के खिलाफ जो टिप्पणी की थी, उस पर हाईकोर्ट ने राहत दी है। हाईकोर्ट ने मौर्य के खिलाफ चल रहे मुकदमे को खारिज किया है। एक अधिवक्ता ने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ दाखिल किया था परिवाद। इस खबर को शेयर करें और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।